अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने कहा क्यों ना एक फिर से एक वीडियो की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर ली जाए, ख़ासकर क्रिकेट पे, क्योंकि क्रिकेट मुझे बहुत ही पसंद है। और मैं इंतज़ार करती हूँ कि कब इस तरह मेरी पसंदीदा जो टीम है वो खेले। तो अब हम सबको तो वेट है, ये है कि पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का मैच हैदराबाद में जो होने वाला है, तो वो जल्दी मैच की तारीख जो है वो आए और हम वो मैच देखें। जिस तरह हमने पिछले एशिया कप में देखा और जिस तरह इंडिया की परफॉर्मेंस रही काबिल तारीफ, जिस तरह बॉलिंग की वो आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में पहला मैच हमने देखा कि पाकिस्तान वर्सेज इंडिया जो है वो बारिश की वजह से नहीं हो सका, दूसरा फिर इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान के मुकाबले में वो कमाल की थी। और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी, मैं तो कहूँ थोड़ी सी क्या, बहुत ही ख़राब थी, लेकिन अच्छा बुरा वक्त जो है वो आता है हर टीम पे। कभी टीम अच्छा खेलती है, कभी नहीं खेलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी टीम को सपोर्ट ना करें, अपनी टीम का जो है वो साथ ना दें। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मैं अक्सर देखती हूँ जो उनके शायकीन हैं, जो कि उनके फ़ैन्स हैं क्रिकेटर्स के, तो अगर जब भी कोई मैच हार जाते हैं तो बहुत उन पर तनकीद होती है, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है और वो बहुत गुस्सा फैंस की तरफ से जो है वो दिखाते हैं कि क्यों इसने सही बॉलिंग नहीं की, इसने सही बैटिंग नहीं की, इसने क्यों आउट दिया, रन आउट क्यों हुआ, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सी बातें आती हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान हारा इंडिया से, और फिर हमने देखा कि पाकिस्तानी फैंस कितने गुस्सा थे, लेकिन साथ साथ बहुत हमने पॉजिटिव रिमार्क्स, ट्वीट, स्टेटस लोगों के भी देखे कि पाकिस्तान की टीम को उन्होंने सपोर्ट किया। अब सारी बातें हम भूल गए, अब मैच होगा पहला नीदरलैंड से, और फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मैच है पाकिस्तान का वो है इंडिया के साथ। उससे पहले भी पाकिस्तान का जो है वो बांग्लादेश के साथ मैच है, और सॉरी श्रीलंका के साथ मैच है, और फिर उसके बाद जो धमाकेदार ताकड़ा जो इंडिया का है वो पाकिस्तान के साथ है, और इसका हम सब वेट कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है प्लेयर्स की, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीसीबी के जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर हम देखेंगे कि इस दफ़ा परफॉर्मेंस किस तरह रहती है, और जो सारी चेंजेस हुई है टीम में वो सब बाबर आजम के कहने पर हुई है, और हमने अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं कहा क्योंकि बाबर आजम नहीं चाहते थे, और बाबर आजम को यकीन था कि शायद उनको यकीन था कि ये टीम जो है या ये प्लेयर्स जो है जिसको उन्होंने चूज़ किया है वो अच्छा खेलेंगे। हम ये उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है, ख़ासकर बाबर आजम, शाहीन शाफरी, हारिस रऊफ, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, इंडिया की सरजमीन पर, इंडिया की ज़मीन पर अच्छी परफॉर्मेंस दे और तारीफ़ के काबिल हो इस तरह परफॉर्मेंस दे, और उम्मीद दुआ करेंगे कि पाकिस्तान हर मैच जीते, वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान लाए। लेकिन ये बहुत बात की बातें हैं, लेकिन उससे पहले जितनी भी हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सारी टीमों की जारी है, पाकिस्तान ने भी दो रोज़ जो है वो अपनी प्रैक्टिस किया, आज भी पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस जारी रही क्योंकि नीदरलैंड के लिए भी तैयारी जो है वो करनी है। दूसरी तरफ इंडिया की हम देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, जितने भी टीमों के टीम्स हैं वो अपने प्रैक्टिस सेशन जो है वो जारी किए हुए हैं। तो लेकिन सबसे पहले मैं अच्छी जो बात कहूँगी, जो मुझे सबसे अच्छी लगी, बल्कि मुझे क्या पूरे पाकिस्तानियों को अच्छी लगी, और वो है हैदराबाद में पाकिस्तान टीम का वेलकम, वो बहुत शानदार था। हम पाकिस्तानियों को वो देखकर बहुत मज़ा आया और हम बहुत खुश हुए, और डेफिनेटली जो इंडिया दिखाया जाता है या हम देखते हैं वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान टीम को इतना ग्रैंड वेलकम, इतना वार्म वेलकम मिले, और इवन पाकिस्तानी प्लेयर्स जो थे वो भी हैरान थे, खुश थे, जिस तरह उनको इंडियंस ने, हैदराबाद के लोगों ने वेलकम किया। तो बहुत शुक्रिया, मैं तो हैदराबाद की आवाम को, उनके लोगों को ये कहूँगी कि बहुत शुक्रिया आपने इतना ज़बरदस्त वेलकम किया पाकिस्तान की टीम का। और जिस तरह बार बार शाहीन शाफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, ये कह रहे कि बहुत मेहमान नवाजी हो रही है, हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है हैदराबाद की, इंडिया की, और उनको बहुत मज़े मज़े के खाने दे रहे हैं और वो बहुत फ़ैन हो गए। अक्सर एक कंपटीशन होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के खानों का, कि कहाँ की बिरयानी अच्छी है, कहाँ के गोलगप्पे अच्छे हैं, कहाँ का दही भले या वड़ा पाव अच्छा है, कहाँ का क्या अच्छा है। तो लेकिन जिस तरह शादाब खान ने कहा कि इंडिया के खाने बहुत ज़बरदस्त हैं, तो हमें भी
मौका मिले किसी दिन तो हम इंडिया जाए, वो खाने ट्राई करें, टेस्ट करें। लेकिन फिलहाल हमारे कुछ प्लेयर्स, हमारे कुछ लोग वहाँ पर हैं, और उम्मीद है कि इंडिया की जानिब से या आवाम की जानिब से कुछ ऐसा मसला तो नहीं हुआ। जिस तरह हम देख रहे हैं कि जिस तरह उनको एक ज़बरदस्त वेलकम दिया जा रहा है, हर जगह वो जा रहे हैं, तो काबिल तारीफ़ है। और फिर हैदराबाद में जो मैच होगा इंडिया के साथ, तो देखते हैं। डेफिनेटली मैंने देखा कि टिकट्स बिक गए और अब टिकट्स कि कोई जो है वो चांस नहीं है मिलने को। लेकिन जो भी लोग भी जाएंगे, क्राउड तो फुल होगा, स्टेडियम फुल होगा, और वेट किया जाएगा कि टीम किस तरह होता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इस दफ़ा जो रन्स होंगे वो चाहे जो टीम भी करेगा ज़्यादा रन से होंगे, 300 प्लस शायद हो जाए, क्योंकि अक्सर इंडिया की जो विकेट होती है वो इस तरह बनती है कि जहाँ पर रन्स जो है वो ज़्यादा हो, तो लोग जो शौकीन आते हैं, जो फैंस आते हैं, क्रिकेट सपोर्टर्स आते हैं, ताकि उनको मैच देखने में मज़ा आए। तो अब मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बॉलर जो है ना वो सही पिटेंगे, लेकिन जो भी होगा मज़ा तो ज़रूर आएगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि हमारे जो नसीम शाह हैं वो इंजर्ड हुए, और उनके मैच में हिस्सा ना लेने का काफ़ी अफसोस हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फैंस हैं नसीम शाह के, और थोड़ी सी उनकी कुछ, वो एक एक्ट्रेस है उर्वशी, उन्होंने कुछ पिक्चर्स भी दी, तो बड़ा अच्छा फनी मूवमेंट था पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों ने उसको बड़ा इन्जॉय किया। यहाँ तक कि नसीम शाह को भी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत तंग किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जानता कि कौन है, लेकिन फिर भी आई नो समवन जो कि नसीम शाह का अकाउंट संभालते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं सुबह उठा और देखा तो फॉलोअर्स, लाखों में फॉलोअर्स आए थे, और देखा तो वो जो जगह थी वो थी इंडिया से। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ था, जिस तरह नसीम ने बॉलिंग की थी ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद, तो इसलिए उम्मीद ये थी कि नसीम शाह वहाँ जाएगा। नसीम शाह डेफिनेटली पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। इतनी कम एज में, कम उम्र में उन्होंने इतना नाम कमाया, और इतने टैलेंटेड है, इतने स्किलफुल है अपनी बॉलिंग में, तो लेकिन खैर इस दफ़ा नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी। और जिस तरह हमारे बॉलर्स हैं, इस दफ़ा हसन अली शामिल है नसीम शाह की जगह, तो उनसे उम्मीद है कि वो अच्छा खेले और अच्छी परफॉर्मेंस दे। बाकी अब मैं अपनी टीम को ये कहूँगी कि भाई बेस्ट ऑफ लक। तो गला थोड़ा सा ख़राब है, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगी कि हर रोज़ाना एक एक वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत जो है वो चलती रही और इंगेजमेंट जो है वो चलती रही। सो आई एम स्टार्टिंग दिस, आई होप आपको पसंद आए, और थम्स अप दीजिएगा। एंड आई विल ट्राई कि मैं कुछ और वीडियोस बनाऊँ साथ साथ, मुझे भी लोग कहते हैं कि पश्तो की वीडियोस बनाएं, तो मैं कोशिश करूँगी। बट यू कैन सजेस्ट मी कि आपको पश्तो में क्या सीखना है, तो मैं सिखा दूँ, मुझे कोई मसला नहीं पश्तो सिखाने में, मैं खुद सीख रही हूँ। पश्तो इज़ बहुत टफ लैंग्वेज है, मेरी जो पश्तो है वो काफ़ी तक ख़राब है, क्योंकि इसमें उर्दू इंग्लिश मिक्स है, लेकिन जो खालिस पश्तो है वो है बलोचिस्तान साइड पर, यूपी की जो अपर साइड है वो है। बस फिर मैं ट्राई करूँगी आप लोग को सिखाऊँ, बस अब तक के लिए इतना ही, और दुआ में याद रखिएगा। और जो हमारे पाकिस्तानी टीम इंडिया में है, तो इंडियंस को मैं कहूँगी कि गाइस उनका बहुत ख्याल रखिएगा, और बहुत शुक्रिया उनको इतना ज़बरदस्त वेलकम करने के लिए, इतनी मेहमान नवाजी के लिए, तो बहुत शुक्रिया। आगे भी इसको कंटिन्यू कीजिएगा, इंशाल्लाह जब इंडिया की टीम कभी पाकिस्तान आए तो हम इससे दुगना करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।